अब सामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक। अब सामान्य व्यवहार जैसे जटिल व्यवहार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न उपागम प्रस्तुत किए हैं। आजकल प्रयुक्त प्रत्येक उपागम मानव व्यवहार के एक विशिष्ट पक्ष के ऊपर जोर देता है और उसी के अनुसार अब सामान्यता की विवेचना और उपचार करता है। यह उपागम भी वैज्ञानिक विभिन्न कारकों की भूमिका पर जोर देते हैं, जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक और अंतर्वैज्ञानिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब सामान्य व्यवहारों की व्याख्या करने वाले कुछ उपागम जो आजकल प्रयुक्त हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे व्यवहार के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जैविक कारक जैसे दोषपूर्ण जीन, अंतःस्रावी असंतुलन, कुपोषण, चोट तथा अन्य दशाएं मानव शरीर के कार्य एवं सामान्य विकास में बाधा पहुंचा सकते हैं। असामान्य व्यवहार के यह संभाव्य कारक हो सकते हैं। हम जैविक मॉडल को पहले ही जान चुके हैं। इस मॉडल के अनुसार अब सामान्य व्यवहार का एक जीव रासायनिक या शरीर क्रियात्मक आधार होता है। जैविक शोधकर्ताओं ने पाया कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तक संदेश के प्रसारण में आने वाली समस्याएं अक्सर मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित होती हैं। तंत्रिका कोश संधि साइनेप्स कहा जाता है, तंत्रिका कोश को दूसरे से अलग करती है कोशिका। जब कोई विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर तक पहुंचता है तब अक्षतंतु उद्दीप्त होकर कुछ रसायन प्रवाहित करते हैं जिसे तंत्रिका संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अध्ययन यह बताते हैं कि किसी विशेष न्यूरोट्रांसमीटर की अपसामान्य क्रियाएं किसी विशेष मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म दे सकती है। दुश्चिंता विकार का संबंध न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड की निम्न क्रियाशीलता से है। मनोविदलता का डोपामाइन की अतिरिक्त क्रियाशीलता से तथा अवसाद का सीरोटोनिन के निम्न क्रियाशीलता से। अनुवांशिक कारक जेनेटिक फैक्टर्स का संबंध द्विध्रुवी और संबंधित विकारों, मनोविदलता, बौद्धिक अशक्तता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक विकारों से पाया जाता है। यद्यपि शोधकर्ता यह नहीं पहचान पाए कि कौन से विशिष्ट जीन मुख्यतः इनके दोषी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांशतः कोई एक जीन किसी विशेष प्रकार व्यवहार या मनोवैज्ञानिक विकार के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि कई जीन मिलकर हमारे कई प्रकार के व्यवहारों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, क्रियात्मक और अपक्रियात्मक दोनों को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि इस बात में काफ़ी पुष्ट प्रमाण है कि अनुवांशिक जीव रासायनिक कारक भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक विकारों जैसे मनोविदलता, अवसाद, दुश्चिंता इत्यादि में अपनी भूमिका रखते हैं, तथापि केवल जीव विज्ञान ही अधिकांश मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण नहीं होते। कई मनोवैज्ञानिक मॉडल साइकोलॉजिकल मॉडल्स भी हैं जो मानसिक विकारों के मनोवैज्ञानिक कारणों को बताते हैं। ये मॉडल बताते हैं कि अब सामान्य व्यवहार में मनोवैज्ञानिक और अंतर्वैयक्तिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कारणों में मातृत्व वंचन, माँ से अलग होना या जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माँ की ओर से प्रेम तथा उद्दीपन में कमी का होना, माता पिता और बच्चे के बीच दुरनुकूलक संबंध, अस्वीकृति, अतिरक्षण, अति अनुज्ञेयता, दोषपूर्ण अनुशासन इत्यादि, दुरनुकूलक परिवार संरचना, अपर्याप्त अथवा अशांत परिवार तथा अत्यधिक दबाव का होना। मनोवैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत मनोगतिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तथा मानवतावादी अस्तित्वपरक मॉडल सम्मिलित है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मॉडल में मनोगतिक मॉडल, साइकोडायनेमिक मॉडल सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध है। आत्म एवं व्यक्तित्व के अध्याय में आपने इसके बारे में पढ़ा। मनोगतिक सिद्धांतवादियों का विश्वास है कि व्यवहार चाहे समान हो या असमान, वह व्यक्ति के अंदर की मनोवैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है जिनके प्रति वह स्वयं चेतन रूप से अनभिज्ञ होता है। यह आंतरिक शक्तियाँ गत्यात्मक कहलाती हैं, अर्थात वे एक दूसरे से अंतर्क्रिया करती हैं तथा उनकी अंतर्क्रिया व्यवहार, विचार और संवेगों को निर्धारित करती हैं। इन शक्तियों के बीच द्वंद्व के परिणामस्वरूप असामान्य लक्षणों की उत्पत्ति होती है। यह मॉडल सर्वप्रथम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका विश्वास था कि तीन केंद्रीय शक्तियाँ व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताएं, अंतर्नो तथा आवेग, इदम एवं इड, तार्किक चिंतन अहम तथा नैतिक मानक पर अहम। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार अचेतन स्तर पर होने वाले मानसिक द्वंद्वों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिसका संबंध सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था से होता है। एक मॉडल जो मनोवैज्ञानिक कारणों की भूमिका पर जोर देता है वह व्यवहारात्मक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल है। यह मॉडल बताता है कि सामान्य और असामान्य दोनों व्यवहार अधिगम होते हैं और मनोवैज्ञानिक विकार व्यवहार करने के दुरनुकूलक तरीके सीखने में परिणाम स्वरूप होते हैं। यह मॉडल उन व्यवहारों पर ध्यान देता है जो अनुबंधन कंडीशनिंग के कारण सीखे गए तथा इसका उद्देश्य यह होता है कि कुछ सीखा गया हो उसे अनधिकृत या भुलाया जा सकता है।
अधिगम प्राचीन अनुबंधन कालिक साहचर्य जिसमें दो घटनाएं बार बार एक दूसरे के साथ घटित होती हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जिसमें किसी व्यवहार किसी पुरस्कार से संबंधित किया जाता है, तथा सामाजिक अधिगम दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करके सीखना से हो सकता है। ये तीन प्रकार के अनुबंधन सभी प्रकार के व्यवहार अनुकूल या दुरनुकूल के लिए उत्तरदायी है। संज्ञानात्मक मॉडल कॉग्निटिव मॉडल ने भी मनोवैज्ञानिक कारकों पर जोर दिया। इस मॉडल के अनुसार अब सामान्य व्यवहार संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण घटित हो सकते हैं। लोगों के अपने बारे में ऐसी धारणाएं और अभिव्यक्तियां हो सकती हैं जो विवेकशील और गलत हो सकती हैं। लोग बार बार अतार्किक तरह से सोच सकते हैं और सामान्य धारणा बना सकते हैं, जिसके कारण किसी एक घटना जो महत्वपूर्ण नहीं है के आधार पर वे बृहद नकारात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक मॉडल मानवतावादी अस्तित्वपरक मॉडल ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है जो मनुष्य के अस्तित्व के व्यापक पहलुओं पर जोर देता है। मानवतावादी सोचते हैं कि मनुष्य में जन्म से ही मित्रवत सहयोगी और संरचनात्मक होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वह स्वयं को विकसित करने के लिए अच्छाई और समृद्धि के लिए मनुष्य अपनी इस क्षमता का उपयोग करने के को प्रेरित होता है। अस्तित्ववादियों का विश्वास है कि जन्म से हम अपने अस्तित्व को अर्थ प्रदान करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस उत्तरदायित्व को हम निभा सकते हैं या परिहार कर सकते हैं। जो इस उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ते हैं वे खाली अप्रामाणिक और अपक्रियात्मक जीवन जीते हैं। मनोसामाजिक तथा जैविक कारकों के साथ होने वाली सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे युद्ध तथा हिंसा समूह पूर्वाग्रह और भेदभाव आर्थिक और बेरोजगारी जैसी समस्याएं तथा तीव्र सामाजिक परिवर्तन हमें से अधिकांश लोगों पर इतना दबाव डाल दें कि लोगों में यह मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल सोशो कल्चरल मॉडल के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं इनके संदर्भ में अब सामान्य व्यवहार को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझा सकता है। चूँकि व्यवहार सामाजिक शक्तियों के द्वारा ही विकसित होता है, अतः ऐसे कारक जैसे परिवार संरचना और संप्रेषण सामाजिक तंत्र सामाजिक दशाएं तथा सामाजिक नाम मात्र और भूमिकाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ पारिवारिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों में अब सामान्य व्यवहार उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। कुछ परिवारों में ऐसी जालबद्ध संरचना होती है जिसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे को गतिविधियों विचारों और भावनाओं से कुछ ज़्यादा ही अंतर्निहित होते हैं। इस तरह के परिवारों के बच्चों को जीवन में स्वावलंबी होने में कठिनाई आ सकती है। इससे भी बड़े स्तर का सामाजिक तंत्र हो सकता है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक और व्यावसायिक संबंध सम्मिलित होते हैं। कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि जो लोग अलग थलग महसूस करते हैं और जिन्हें सामाजिक अवलंब प्राप्त नहीं होता अर्थात गहन और संतुष्टिदायक अंतर्व्यक्तिक संबंध जीवन में नहीं प्राप्त होता, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक अवसादग्रस्त हो सकते हैं जिनके अच्छे मित्रवत संबंध होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतकारों के अनुसार जिन लोगों में कुछ समस्याएं होती हैं उनमें अपसामान्य व्यवहार की उत्पत्ति सामाजिक संज्ञाओं और भूमिकाओं से प्रभावित होती है। जब लोग समाज के मानकों को तोड़ते हैं तो उन्हें विसामान्य और मानसिक रोगी जैसे संज्ञाएं दी जाती हैं। इस प्रकार की संज्ञाएं इतनी ज़्यादा उन लोगों से जुड़ जाती हैं कि जो लोग उनके संघ इत्यादि पुकारने लगते हैं और उन्हें उसी बीमार की तरह से क्रिया करने के लिए उकसाते रहते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति बीमार की भूमिका स्वीकार कर लेता और अपसामान्य व्यवहार करने लगता है। इन मॉडलों के अतिरिक्त अपसामान्य व्यवहार की एक बहुसामान्य व्याख्या रोगोन्मुखता दवा मॉडल द्वारा दी गई। इस मॉडल के अनुसार जब कोई रोगोन्मुखता किसी विकार के लिए जैविक पूर्ववृत्ति किसी दबावपूर्ण स्थिति के कारण सामने आती है तो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं। इस मॉडल के तीन घटक है। पहला घटक रोगोन्मुखता या कुछ जैविक व्युत्पन्न जो वंशागत हो सकते हैं। दूसरा घटक है कि रोगोन्मुखता के कारण किसी मनोवैज्ञानिक विकार के प्रति दोषपूर्णता उत्पन्न हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति विकार के विकास के लिए पूर्ववृत्त है या उसे विकास का खतरा है। तीसरा घटक विकारी प्रतिबलकों की उपस्थिति है, इसका तात्पर्य उन कारकों से जो मनोवैज्ञानिक विकार को जन्म दे सकते हैं। यदि इस तरह के पूर्ववृत्त या खतरे में रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के दबावकारों का सामना करना पड़ता तो उनकी यह पूर्ववृत्ति वास्तव में विकार को जन्म दे सकती है। इस मॉडल का कई विकारों जैसे दुश्चिंता अवसाद और मनोविदलता पर अनुप्रयोग किया गया है।